वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह मैं सो के जल्दी उठ गई और मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन स्किप हो गए थे और जैसे व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी मैं, और बस थोड़ी मसरूफियात भी थी। और मैं से बहुत जल्दी उठ के मैंने रूम वगैरह साफ़ किया, अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, खुद नाश्ता वगैरह किया। और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरी छोटी वाली सिस्टर जो जरीना बाजी, बड़ी वाली सिस्टर जो उनका नाम मरियम है, और जरीना बाजी ने मेरे लिए ड्रेस भेजा था बहुत ही प्यारा, उन्होंने खुद ने ले के स्टिच करवाया और बड़ी प्यारी डिटेलिंग की है उन्होंने, बहुत प्यारा स्टिच करवाया था उन्होंने, साथ इसके दुपट्टा जो कलर करवाया था और मुझे बहुत पसंद आया सूट। और यकीन कीजिए मेरी बहन ने इसी प्रिंट का कपड़ा लेके अलाया के लिए भी स्टिच करवाया था। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भेजा, तो सिस्टर थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मॉर्निंग रूटीन में मैं क्या करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन में मैं फेस वॉश आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ वो चीज़ है बेसन। मैंने आपको बताया भी था कि आप रोज़ाना सुबह उठ के बेसन का यूज़ कीजिए, उससे फिर योगा कि आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में निशान हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मेरे खुद भी कुछ दिन पहले, मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले, कम से कम 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मेरे स्किन पे 2 पिंपल्स निकल गए थे। उस पिंपल्स को मैंने टच किया तो वो निशान छोड़ गया। पता है कभी टच करना चाहिए, बट मैंने उसको टच किया तो वो निशान छोड़ गए, तो वो अजीब से लग रहे थे फेस पे, ब्लैक ब्लैक से निशान ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बेसन का यूज़ किया सिर्फ 2 हफ्ते। आप यकीन कीजिए मेरे स्किन में आपको बिल्कुल भी दिख रहा नहीं होगा कि कोई निशान वगैरह है फेस पर ना। आपकी स्किन का एक टोन में होना बहुत ज़रूरी है, और अनइवन टोन स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अपने आप इंसान को ऑकवर्ड सा फील होता है। और यहाँ पे देखें आपने रोज़ाना करना कुछ ही है, बस आपने कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट बेसन यूज़ करना है, आपको खुद वाजिया फ़र्क महसूस होगा। मैं तो रोज़ाना मतलब फ़ेस वॉश की जगह यही बेसन यूज़ करती हूँ सुबह, मतलब मॉर्निंग में, उसके बाद फिर नाइट में सुबह सोने से, रात को सोने से पहले एक दफ़ा यूज़ करती हूँ। आप यकीन कीजिए आपको खुद वाजिया फ़र्क महसूस होगा। ये थी मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलाया को मैंने खाना वाना खिला दिया था, उसके बाद मैंने अलाया को नहलाने के लिए मैं ले आई वॉशरूम और मैंने नहलाया अलाया को। अलाया का मुंह थोड़ा ख़राब था, आपको पता है बच्चा ज़िद करता है, तो वो पाउडर वगैरह मांग रही थी, मैंने दिया नहीं। खैर यहाँ पे खाना वगैरह भी बस तैयार था, और अब मैं अलाया के लिए भी आलू बॉयल करने रख दूँगी। बनाऊँगी अलाया के लिए आज मैच पोटैटो, इसके बाद मैंने बॉयल करने रख दिया था आलू। फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी, फिर दादा भी ऊपर से आ गए थे, मैंने दादा को चाय वगैरह दी। मैं आपसे शेयर करूँगी आज मैश पोटैटो की रेसिपी, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आपका बच्चा 1 साल का है और 1 साल से कम का भी है तो आप उसको ये दे सकते हैं मैश पोटैटो बना के। इसकी रेसिपी बहुत ईजी है। मैंने एक आलू को अच्छी तरह बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया, और उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच भर के आपके पास सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है, वो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद मैंने मैश किया हुआ पोटैटोस में ऐड कर लिया था, और अच्छी तरह मैं इसको करूँगी सौते, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा पता है क्या, पहली बात तो ये जो आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे या फिर सॉल्ट वगैरह, वो बिल्कुल बराए नाम बोलते ना पंच के हिसाब से, क्योंकि बच्चे को तो टेस्ट का मालूम नहीं होता ना, लेकिन बस हल्का सा टेस्ट के लिए मैंने बिल्कुल इसमें ऐड किया नमक, ठीक है, एक पिंच के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड किया होगा, और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए बस मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है, और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। फ्लेवर जो बटर का होता है वो बहुत ही मज़ेदार सा होता है। अच्छा मैश पोटैटो से बच्चा बहुत हेल्दी हो जाता है, और माशाल्लाह अलाया की हेल्थ बिल्कुल बेहतर है, अच्छी है माशाल्लाह से, नज़र ना लगे, अल्लाह नज़र बस से बचाए। और यहाँ मैं इसको अलाया भी बहुत चुड़ चुड़ कर रही थी, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा मैं पेट भर लेती हूँ, क्या पता पेट खाली हो इसलिए चुड़ चुड़ कर रही है, बच्चा तो खैर तंग करता ही है पता है आपको। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, और रात के खाने हैं मैंने बनाए हैं आज नमकीन चाय, जो कि हमारे गांव के ट्रेडिशनल डिश है, नमकीन चाय और अजोक। और मैंने जल्दी जल्दी बस तैयारी की, क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम था कि हम रात को थोड़ा सा बाहर आउटिंग पर अलाया को ले जाएंगे, मेरे हस्बैंड और मैं। और फिर मैं जल्दी जल्दी बस खाना बनाया और सबको खाना वगैरह दिया, देन हम चले गए बाहर आउटिंग पे, मेरे हस्बैंड मैं और अलाया, क्योंकि अलाया थोड़ा मूड ठीक नहीं था, मैंने सोचा उसको थोड़ा बाहर लेके चलते हैं आउटिंग पे। उसके बाद हमने थोड़ी सी बाहर आउटिंग की, और मैंने पान वगैरह मेरे हस्बैंड ने लिया था, और थोड़ा सा हमने बाहर खाना वाना खाया और फिर पान वगैरह लिया।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी व्लॉग का एंड। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।